Cutting straight across to news breaking, FSL assistant director speaks to India Today, says the samples collected from the car and the scooty, blood samples of the accused have been handed over to the Delhi police right now. That is the big breaking news coming in at the moment. FSL director speaking exclusively to India Today, saying samples collected from the car and the scooty, blood samples of accused have been handed over to the Delhi police. Listen in. जो FSL की टीम है वो इस कंझावला केस में किस तरह से जांच कर रही है और कहां कहां टीम विजिट की है? हमारी टीम ने मंडे को भी दोनों व्हीकलों का एग्जामिनेशन किया था और हम लोग स्पॉट पर भी गए थे जहां पे की बॉडी मिली थी और जहां पे एक्सीडेंट और ये स्कूटी जहां पे मिली थी वहां पे भी हमने विजिट करी थी और एग्जामिनेशन किया था. बाकी जो भी क्राइम एग्जिबिट हमें मिले थे स्पॉट से और व्हीकल से वो हमने पुलिस को सौंप दिए. अच्छा, क्या ये जो खबर आ रही है कि क्या जो व्हीकल है जो आरोपियों की बेलेनो कार उसके नीचे से ब्लड स्टेन मिले थे FSL की टीम को? हाँ, कुछ स्टेन मिले थे वो हमने पुलिस को सौंप दिए. कार के अंदर से कोई ब्लड स्टेन मिला था सर? इस तरह की अभी मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में. अच्छा, दूसरा ये सवाल सर कि क्या आरोपियों के जब ब्लड सैंपल FSL की टीम को दिए गए जांच के लिए? FSL में डिपॉजिट किए गए आरोपियों के ब्लड सैंपल, उसकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है? मैडम ने उसको आदेश किया है कि उसको जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट दे दी जाए. अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जो बलेनो कार का इंस्पेक्शन किया गया तो सिर्फ निचले हिस्से में ही ब्लड के स्टेन मिले हैं, उसके अलावा किस साइड से, क्या फ्रंट साइड से दुर्घटना का वो जांच में आया है कि फ्रंट साइड से हुआ था? आज हमारी टीम फिर से रिविजिट कर रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है.